रौनक रमजान डेली नया के साथ इस वक्त मौजूद हूँ आप जाना पहचाना नाम GDC फाउंडेशन कराची की सबसे बड़ी शहरी यहाँ कराई जाती है, साथ साथ अफ्तारी भी होती है। आपको पता है GDC बहुत ही जाना माना पहचाना नाम है और जो काम कर रहे हैं वो है हमारे जफर अब्बास भाई। जानते हैं आज चौथी शहरी में क्या है इनके पास मेन्यू और कितने तादाद में लोग यहाँ सैरी करने आते हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ स्टूडियो में। रौनक रमजान है डेली नया, चलो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का बटन दबा दें। तो मिलवाते हैं आज स्टूडियो में जफर अब्बास भाई से। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आप खैरियत से? मैं अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं ये देख रही हूँ माशाल्लाह बहुत गहमा गहमी कराची की सबसे बड़ी जो है सैरी है, कितने तादाद में लोग यहाँ सैरी करते हैं? यहाँ तकरीबन 15,000 से 20,000 लोग सैरी करते हैं और हर दिन अलग अलग मेन्यू होता है। जी, अलग अलग मेन्यू होता है। अच्छा जफर भाई, एक सवाल है आपसे, जो हुक्मरान वाले काम आप कर रहे हैं इसके पे क्या कहेंगे? मैं, हम तो सोशल इदारे हैं, फलाई इदारे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हुक्मरानों के जो काम है वो कर रहे होंगे, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है, और कितने वॉलंटियर्स आपके पास काम कर रहे हैं अभी? हमारे पास तो तकरीबन 1,000 से 1,200 वॉलंटियर काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और एक आखिरी सवाल ये है, आप इतने सादा रहते हैं, मुझे इस मुझे बड़ी खुशी होती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि मैं आपके अंदर देखती हूँ कोई ना एटीट्यूड है ना कोई बन ठन के रहते हैं, बिल्कुल सादगी पसंद नहीं है। ये कराची में यही तो कपड़े हैं जो लोग पहनते हैं, टी शर्ट, पैंट, जीन्स, चप्पल, वही हम भी पहने। अच्छा, फ्रूट पे जो आपने बायकॉट किया था ये किस तरह किया था? और माशाल्लाह अभी मैं फ्रूट लेती हूँ तो 50 रुपए किलो खरबूजा है और 100 रुपए था, 100 रुपए दर्जन केले, 400 रुपए किलो था ना ये पहले रमजान को, हाँ, अब 50 पे आ गया, नहीं आ गया जी, आ गया 50 रुपए किलो। उस पाकिस्तानी आवाम को दुआ दें जिन्होंने सबने मिलकर बायकॉट किया, तो आज हर एक के दस्तरखान पे फल पहुंच गए। अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब करे मेरा भाई, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे, इसी तरह देखते रहे। मैं सलाम, तो आज की सैरी आपकी तरफ से है? जी बस अल्लाह ने एक साथ दी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। तो मतलब आज जो मछली और जो मंदी है वो कितने तादाद में? तादाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 10,000, 12,000 लोग, 15,000 लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर होते हैं। और अल्लाह ताला है, मछली ये फ्रेश है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाम तो मुझे इसका भी नहीं आता, लेकिन एक हमारे अच्छे दोस्त हैं किचन वाले, उनसे हमने उसके साथ राइस है, मछली मंदी कहते हैं। कितनी खुशी हो रही है आज आपकी तरफ से सहरी है? बस अल्लाह ताला ये सादत दे देता है, ये बड़ी बात है हमारे लिए, अल्लाह ताला बस इसको कबूल करे अपने दरबार में, ये हमारी कोशिश। अच्छा जी, यहाँ जो है देख सकता है यहाँ कढ़ाई में बन रही है मछली, ये फिंगर फिश बन रही है बिना कांटे की। अच्छा जी, और ये तरफ्राई हो रही है जबरदस्त सी। अभी तक कितनी आपने फ्राई कर ली, कितनी किलो फ्राई कर ली? 800-900 किलो इन्होंने फ्राई कर ली है और यहाँ फ्राई होके उस तरफ जा रही है। और ये कोई ये देख सकते हैं, ये रही मछली, रही हुई सारी की सारी फ्राई हुई हुई मछली यहाँ पे देख सकते हैं। और ये है चावल की डेग, लंबी कतार में यहाँ पे चावल की डेग मौजूद है, चावल की डेग यहाँ पे है और ये मछली है। अच्छा जी, यहाँ फैमिली मौजूद है सैरी करने आई, ये जानेंगे कहाँ से सैरी करने आई है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? मैं बड़ा बोट पाक कॉलोनी से आई हूँ। इतनी दूर से रक्षे में आई है? नहीं नहीं, बाइक पर। बाइक पर आई है, क्या वजह है यहाँ आने की? यहाँ पुरसुकून इलाका है, इज्जत है और आराम से मतलब एहतमाम किया जाता है। पहली बार आई सैरी करने? नहीं, आती रहती है जी। क्या वजह है सैरी करने की, क्या महंगाई? लाजमी बात है। अच्छा, यही वजह है? यही वजह है। इस तरफ मेरे लेडीज है और इस तरफ मेरे जेंट्स है। पर अब्बास को मैं कहती हूँ कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, लोग खिदमत कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। और राशन की तकसीम भी होती है, इनके पास आते हैं, चीजें देते हैं। आज जो भाई आए थे उन्होंने कपड़े दिए इनको और ये कपड़े फिर गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं। तो ये है सादा इंसान जफर अब्बास भाई। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेजबान सुनो छोटी को इजाजत, देखते रहिए रौनक रमजान डेली नया के साथ।